इससे पहले मेरे व्हाट्सएप में जाके मेरा डीपी बता देता हूँ। तो दोस्तों सेटिंग पर जाना है। सेटिंग में देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा डीपी दिखा रहा है इस तरह का है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए कहाँ है, यहाँ पर है कैमरा फोटोज। सो दोस्तों देखिए, मेरे एक फोटो है, ये एक फोटो है दोस्तों। अगर मैं इसे अपने व्हाट्सएप डीपी पर रखना चाहूँ दोस्तों, तो फुली तरह नहीं रख सकता, या तो इतना या तो इतना या तो इतना, यानी कितना कितना पता नहीं, कितना कितना। सो दोस्तों इतना या इतना या इतना, तो ये मुझे इतना नहीं रखना, मुझे पूरा रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर ये रखा नहीं जा रहा और मैं रख भी नहीं सकता यहाँ से। सो दोस्तों इसे मुझे पूरा फुली रखना है, तो मैं कैसे रखूँगा, यही मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ताकि आप अपना जो भी फोटो आपको अपना लगाना है, अगर डीपी पर फुल फोटो लगाना है, तो आपको किस तरह से लगाना होगा। अगर कोई इमेज या इस तरह की कोई भी, या कोई आपका बहुत ही सुंदर नैसर्गिक और यह है व्यू है दोस्तों, आपको रखना है तो पूरी तरह नहीं आता है, तो मन में एक खलबली थी कि यार इतना जबरदस्त फोटो और नहीं रख पा रहा हूँ। सो दोस्तों मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा कि किस तरह से रखना होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, मैं इसे कैंसिल करता हूँ। मैं आपको एक सीधे से एप्लीकेशन बता देता हूँ, व्हाट्स क्रॉप है दोस्तों। इस पर आपको इंस्टॉल कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने इसमें दिखाएगा। सो दोस्तों मैं पहले कर चुका हूँ, इसे बता रहा हूँ आपको। ऐसे जाएगा, आपको न्यू चूज करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर फोटो है, फोटो पर आएगा, या फिर आप न्यू ले सकते हो, या कोई गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हो, या टेक फोटो, यानी कि ऐसे आप कोई फोटो ले भी सकते हो कैमरे से। सो दोस्तों सिंपली मैं करूँगा, सिलेक्ट फोटो करूँगा, मेरे गैलरी में रखा हुआ है, इसलिए मैं गैलरी में जाऊँगा। सो फ्रेंड्स, डायरेक्ट गैलरी में जाना है, यहाँ से मुझे कैमरा में जाना है, कैमरा, और कैमरा से जो फोटो मैंने कैमरे से लिया था, कैमरा में आया है एब्सोल्युटली। सो दोस्तों मैं इसे सर्च करूँगा पहले कहाँ पर है। सो ये फोटो मिल चुका है, मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा, फिर बुलाऊँगा। ये बार बार जो बताता है दोस्तों, प्लेस फिंगर है कि जो भी इसके जो दिशा निर्देश बताता है, इसे हमें शो नहीं करना। पहले आपको शो करना होगा, क्योंकि आपको नहीं समझता, इसलिए आप 10-15 मिनट ये ऐप चलाओगे दोस्तों, तो सिंपली आपको कोई ऐप चलाना आ जाएंगे। मैं इसे नेक्स्ट करके क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद ये फोटो ऐसा आएगा। यहाँ से फिर दोस्तों ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, ओनली इनसाइड शेप, फिट टू फ्रेम, फिट टू सर्कल, फिट टू स्क्वायर। सो दोस्तों मैं सीधा क्या करूँगा, फिट टू स्क्वायर करूँगा, इस तरह से नजर आएगा। अलग अलग व्यू यहाँ पर, फिर अलाइनमेंट भी है, आपको जो देना है वो राइट रोटेट जो भी है। मुझे तो कोई अलाइनमेंट देना नहीं है इसे, डायरेक्ट मैं से करता हूँ रोटेट लेफ्ट, तो ये सीधा आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ से इसके आगे एडिट करना है। एडिट में शेडो है, व्हाइट बॉर्डर आती है दोस्तों, बैकग्राउंड ब्लर्ड आता है। सो मैं सिंपली क्या करूँगा दोस्तों, अभी बैकग्राउंड कलर चूज करूँगा, मुझे इसे कलर लगाना है। सो दोस्तों मैं इसे रेड कलर लगा देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करेगा तो ऐसा इंटरफेस नजर आएगा दोस्तों, और एडिट पे जाऊँगा। एडिट पे आने के बाद मैंने फोटो फ्रेम लगाना है, कोई भी फोटो फ्रेम आप लगा सकते हो, ये थोड़ा समय लेगा, जरूर थोड़ा समय लेगा। और फिर देखिए दोस्तों, बड़े बड़े बढ़िया जो इसके ये आते हैं बॉर्डर फ्रेम्स, वो नजर आएंगे। सो दोस्तों कौन सा चूज करना है, ये चूज करना है दोस्तों, बेहतरीन लग रहा है ये वाला। सो दोस्तों देखिए, थोड़ा वक्त लेता है लोडिंग के लिए, प्रिपेयर कर देता है, और देखिए ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अलग अलग आपको इसमें से जो भी इमेज सिलेक्ट करना है दोस्तों, आप कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करता हूँ, देखिए इस तरह से आ गई ये इमेज, इस तरह से मेरे व्हाट्सअप डीपी में लगेगा। सो दोस्तों मैं थोड़ा ऐसा लेता हूँ इसको, अब और ज़बरदस्त लग रहा है मुझे, अच्छा ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब इसे ब्लर भी करना है, तो एडिट पर जाएंगे, बैकग्राउंड ब्लर ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो देखिए दोस्तों, थोड़ी ही देर में ब्लर हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से ब्लर हुआ है। ये देखिए, आपको बैक में थोड़ा ब्लर लग रहा होगा, ओके। तो आप इसे और भी अच्छी तरह से इमेज बना बना कर इसमें आप एडिट कर सकते हो, तो मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है दोस्तों। और एडिट में आएंगे, अब फिल्टर लगा सकते हैं, फोटो फ्रेम लगा सकते हो, मैं फिल्टर में जा रहा हूँ। फिल्टर में जाने के बाद दोस्तों देखिए, बेसिक कलर आर्टिस्ट प्रोफेशनल स्पेशल इफेक्ट। सो दोस्तों मैं स्पेशल इफेक्ट में से कोई एक चूज करूंगा, स्पेशल इफेक्ट में जाएंगे आप, यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरह के इफेक्ट्स नजर आने वाले हैं। सो दोस्तों मैं ये इफेक्ट्स को चूज करता हूँ, यहाँ पर चूज करने वाले आपको जो भी रखना है वो आप रख सकते हो, इसकी ओपेसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए कुछ नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइट हो रही है। सो दोस्तों आगे बढ़ जाए, मैं इसे बैक करता हूँ, मैं रखने वाला नहीं अभी हूँ, इसे और बैक लूँगा। सो दोस्तों आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये आने के बाद ऐसे आप सेटिंग कर सकते हैं, आप 10-15 मिनट के बाद ये ऐप बहुत अच्छी तरह से चलाना सीख जाओगे, और बहुत से अच्छे अच्छे डीपीस आप अपने व्हाट्सएप पे रख पाओगे। सो दोस्तों सीधे से आप इसको सेव करना है, तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया है, सेंड टू प्रोफाइल भी होता है और सेव फोटो गैलरी में भी होता है, तो मैं डायरेक्ट सेंड टू प्रोफाइल करूँगा। सो दोस्तों देखिए, पूरी इमेज भी आप वहाँ पर रख सकते हो, और देखिए ये ऐड आ रही है, क्योंकि पेड नहीं है इसलिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ। इस तरह की इमेज आप यहाँ पर रख सकते हो उसको, या फिर ये कोई बैकग्राउंड ना देकर आप पूरी इमेज वहाँ पर रख सकते हो। ये देखिए, अब कोई इसे क्रॉप करने की जरूरत नहीं है, पूरी इमेज वहाँ पर नजर आएंगी। देखिए दोस्तों आ गई,
और मैं और आपको करके बता देता हूँ थोड़ा। देखिए दोस्तों बैक लेंगे और बैक ये आ गए हैं हम ऐप में, ऐप पे लेंगे न्यू यस और फोटो में जाएंगे सेक फोटो करेंगे और इसके बाद गैलरी में जाना है, कैमरा में जाना है जहाँ से हमने फोटोज ली है। एक है दोस्तों वो फोटो यहाँ पर है, ये आ गई। सो दोस्तों इस फोटो को मैंने ले लिया है और मैं इसे डायरेक्ट फिट टू स्क्वायर करूँगा या फिर फिट टू फ्रेम करूँगा, इस तरह से आ जाएंगी पूरी फ्रेम को चिपक जाएगी। तो सो दोस्तों आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर लिया है। सो फिर डायरेक्ट से सेव करता हूँ। देखिए आप सेंटो प्रोफाइल किस तरह से नजर आएंगे वहां पर, देखिए ऐड तो हर बार में बताता ही है, इसे क्लोज कर देता हूँ। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जरूर करें इस चैनल को। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा और भी बेहतरीन तरीके से बताऊँगा। और दोस्तों सरकारी योजनाएं, एप्लीकेशंस और बहुत सी जो ट्रुथ जानकारी जो आपके फायदे के लिए है वही इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ, तो इसलिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते आगे देखिए दोस्तों डन कर देता हूँ। डन करने के बाद वो फोटो इस तरह से नजर आएंगी। सो दोस्तों आप कोई भी फोटो इस तरह से फुल लिपि पर रख सकते हो और उसका मजा ले सकते हो। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।